राष्ट्रीय रक्षा अभियान के जागरण में मुख्य वक्ता सुबूही खान अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, सामाजिक कार्यकर्ता औरैया पहुंची हुई हैं। सुबूही खान ने देश को लेकर लोगों को जागरूक किया। वहीं मुस्लिम बच्चों के जहन में कैसे डर बैठाया जा रहा है, कैसे उसके अंदर जिहादी बनाने या भय दिखाया जाता है। वहीं NRC एवं CA भी जमकर विपक्ष पर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोली, योगी की जाति नहीं होती फिर भी उन्हें जाति से जोड़ने का काम करते हैं। वह नाथ संप्रदाय से होने के बावजूद लोग जोड़ते हैं। अन्य पार्टियों को बताया विधर्मी, साथी पार्टियां जो लोगों को जाति धर्म में अपने स्वार्थ के लिए तोड़ने का काम करती हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जो 7 भारत विरोधी मानसिकता है उनमें एक भारत विरोधी मानसिकता विधर्मी राजनीतिक दल भी है। वो लोग हैं जो हमारे अपने लोग हैं, लेकिन वो सत्ता में रहने के लिए किसी भी भारत विरोधी मानसिकता के साथ हाथ मिलाने लगते हैं। वो विधर्मी राजनीतिक दल ही हमें भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय में बांटते हैं। जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करना लोगों को बांटना है, वो हिंदू का मतलब नहीं समझते। इसलिए हम धर्म, पंथ और संस्कृति के अंतर पे भी जागरण कर रहे हैं। देखिए, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक सभ्यात्मक पहचान है, हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। ये बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इतनी खूबसूरती से कहते थे, कहते कहते चले गए, लेकिन हम लोग उस सत्य को स्थापित कहीं ना कहीं नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि उस जागरण की भी जरूरत है। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं, दीदी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, लेकिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त मुसलमान है, मैं हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकता हूँ। तो मैं उन बच्चों को भी ये समझाती हूँ कि देखिए, संस्कृति जो होती है वो किसी भी जगह की भौगोलिक परिस्थितियां निर्धारित करती है। भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से किसी भी देश की भाषा, भूषा, भोजन, भवन और भेषज और इस तरह की भाष्य 7-8 चीजें होती हैं जो उस जगह का लाइफ स्टाइल है, वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां निर्धारित करती है। तो हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। हिंदू का नाम लेके अगर लोग सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत बड़े बेवकूफ है। और कहीं ना कहीं समाज में भी अज्ञानता है कि हम भी धर्म, पंथ और संस्कृति का अंतर भूल गए हैं। तो देखिए, मैं बोलती हूँ मेरा धर्म सनातन है, मेरा पंथ इस्लाम है, मेरी संस्कृति हिंदू है। तीनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं। हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि लोग अपने राजनीतिक हित साधने के लिए हमें तोड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव की आपने बात करी, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। केवल योगी ही देश के लिए इतना अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि जिस संप्रदाय, जिस नाथ समाज से वो आते हैं योगी आदित्यनाथ, उस नाथ समाज में तो जातियों का कोई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMTNewsFlash।